हेलो गाइस नमस्ते, मैं आपका दोस्त ओम प्रवेश यादव, मोबाइल ट्रेनर। आज विश्वकर्मा पूजा का दिन है और मैं एक मोबाइल ट्रेनर होने के कारण मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। तो बहुत सा लोग बोलते हैं मोबाइल 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 का आविष्कार किसने किया, कौन किया। तो लोग बोलते हैं मार्किन कॉपर जो है उन्होंने मोबाइल का आविष्कार किया। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी अमेरिका में मोबाइल का यूज हो रहा था। जो सैन्य जो वहाँ का सुरक्षा कर्मी थे वो लोग मोबाइल का यूज कर रहे थे जो रेडियो सिग्नल के थ्रू हो रहा था। तो उसका आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर जो ग्राहम बेल थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किए थे? तो रेडियो सिग्नल के थ्रू मोबाइल का आविष्कार किए थे, वहां पे संचार माध्यम से काम हो रहा था। लेकिन जब अप्रैल 1973 को जब मार्किन कपूर ने फर्स्ट मोबाइल लॉन्च किया जो पर्सनल आदमी बोक कर बात करता था कर सकता था, उस मोबाइल का वेट था 1.1 kg। तो दोस्तों ये मोबाइल दुनिया में पहला ऐसा मोबाइल लॉन्च हुआ जो हर व्यक्ति आम आदमी यूज कर सकता था। तो ये जो है मार्किन कपूर, उन्होंने पहला मार्किन कपूर जो है उन्होंने पहला मोटोरोला कंपनी का मोबाइल लॉन्च किया जो दुनिया में हर व्यक्ति के लिए यूज हो सकता था, सैन्य शासन बाहक था। उसके बाद आपको ये मोबाइल का प्रणाली विकास होते गया हर देश ने। उसके बाद आपको स्वीडन, जापान, इटली ऐसे देशों ने क्या किया? तो मोबाइल का आविष्कार में हाथ डाल दिया और हर देश अब ये मोबाइल क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा। इसी क्रम में आपको 1983 में अमेरिका ने पहला 1G जो बोलता है मोबाइल, फर्स्ट पुस्ता का जो मोबाइल था वो मोबाइल लॉन्च किया। उसके बाद फिनलैंड ने 2G मोबाइल 1991 में लॉन्च किया, जो हम लोग बोलते हैं 2G, वो मोबाइल 1991 में लॉन्च हुआ है दोस्तों। उसके बाद 2001 में जापानीज कंपनी ने वह जापान ने 2001 में 3G मोबाइल का आविष्कार किया। दोस्तों 2003 में आते हुए आपका 4G मोबाइल जो अभी चल रहा है वो मोबाइल का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो, अभी आप देख रहे हैं मेरा स्मार्ट मीडिया नेटवर्क चैनल, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। बोला जाता है मोबाइल का जो आविष्कार है वास्तव में पर्सनल जो हम लोग हैंडसेट बोकते हैं उसका आविष्कार तो मार्टिन कपूर ने ही किया है, जो 3 अप्रैल 1973 को किए थे। उससे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे उन्होंने आपका रेडियो सिग्नल के थ्रू जो बात होता था वो संचार प्रणाली का विकास किए थे। तो दोनों व्यक्ति का ये संचार जो मोबाइल का आविष्कार है दोनों व्यक्ति का उतना ही श्रेय जाता है, लेकिन जो पर्सनल जो हम लोग हैंडसेट बोकते हैं जो सिम के थ्रू जो बात होता है उसका आविष्कार मार्टिन कपूर ने ही 3 अप्रैल 1973 को किया है। दोस्तों आज जो 4G मोबाइल है जो हम लोग चला रहे हैं, दुनिया का जितने भी टेक्निकल काम आज हर चीज मोबाइल से हो रहा है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कौन सबसे पहले मोबाइल को लॉन्च किया ये जानने के लिए मेरे ये वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।